की है हरी खाद फसल, केड़ियां केड़ियां फसलों नूं हरी खाद वजों वरत्या जा सकता है, किन्नी मात्रा विच हुंदी है यूरिए अते पैसे दी बचत, की ने हरी खाद वालियां फसलों दे फायदे। असल विच एक खेत विच उगाए गए हरे पौद्यां नूं वाउण जां बाहरों कोमल टहिणियां जां पत्तियां वाले हरे पौद्यां नूं मिट्टी विच शामिल करन दा एक अभ्यास है, जिस नाल मिट्टी दी भौतिक बणतर दे नाल नाल उपजाऊ शक्ति विच वी वाधा कीता जा सकता है। कणक तो बाद 2 महीने का वाधू समा हुंदा है जदों खेत खाली हुंदे हन, जिस नाल खेत की मिट्टी ते बहुत प्रभाव पैंदा है। मिट्टी संकुचित हो जाती है, खाली खेत विच मीह पैण करके खुराकी तत् हेठां चले जाते हैं। इन्हां सब समस्यावां नूं हरी खाद वालियां फसलां बीज के हल किया जा सकता है, घट रहे जैविक कार्बन के स्तर नूं भी मिट्टी विच पूरा किया जा सकता है। हरी खाद वजों बीजियां जाण वालियां फसलां जिमें कि मूंगी, गुआरा, जंतर, सण, रवान आदि हैं। जेकर गल करिए मूंगी की, तो अध अप्रैल तो बाद बिजाई करके मूंगी की फसल तो 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ झाड़ लैन के नाल नाल 45 से 50 दिन की फसल में मिट्टी विच रला के 12 से 16 किलोग्राम हवा विच मौजूद नाइट्रोजन खेत में प्रदान की जा सकती है, जिस नाल खेत विच बीजी जाने वाली अगली फसल विच बचत वजों 35 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया घट पाउण दी जरूरत पैंदी है। पर एक खास ध्यान रख्या जावे कि जिहड़े खेतर विच नरमे दी बिजाई करनी होवे उत्थे मूंगी ना बीजो, क्योंकि चिट्टी मक्खी दा हमला मूंगी ते हुंदा है अते ए मक्खी फिर नरमे दी फसल ते चली जांदी है, जिस नाल नरमे दा वधेरे नुकसान हुंदा है। जेकर गुआरे की फसल की गल करिए, फसल आम तौर पर जून जुलाई में बीजी जाती है, पर इस हरी खाद वजो अप्रैल में बिजाई करके 7 से 8 हफ्तों की फसल में फलियों में दाने भरन तो बाद जमीन विच वाहन नाल 15 से 20 किलो नाइट्रोजन मिट्टी में मिलती है, जिस नाल अगली बीजी जाने वाली सौनी की फसल में 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ घट यूरिया पैंदा है। इस दे फायदे दे नाल नाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति विच भी वाधा हुंदा है। जेकर जंतर की गल करिए, इस दी बिजाई लई 20 किलो प्रति एकड़ बीज वरत के अप्रैल महीने विच बिजाई करो अते 50 से 60 दिन की फसल खेत विच वाह के हरी खाद वजों वरती जा सकती है, ते ए खेत नूं 25 से 28 किलो नाइट्रोजन प्रदान करती है, जिस नाल सौनी की फसल लई 55 से 60 किलो प्रति एकड़ यूरिया घट पैंदा है। इस तो इलावा ये फास्फोरस अते पोटाश का भी स्रोत है अते मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नूं वधाउण विच भी वधेरे लाभदायक है। इस तरह रवां अते सण की फसल नूं अप्रैल मई दौरान बीज के 1 महीने की फसल नूं झोने तो पहलां खेत विच वाह के हरी खाद वजों नाइट्रोजन के स्रोत वजों काम लिया जा सकता है। जेकर गल की जाए होर खादा की, तो 60 क्विंटल की भारी मात्रा विच रूड़ी खाद नाल केवल 35 किलो यूरिया की बचत होंदी है, जबकि उपरोक्त दसियां हरी खाद वालियां फसलां नाल सौनी की फसल लई घट्टो घट 55 किलो यूरिया तक की बचत की जा सकती है। इस तरह 60 क्विंटल प्रेसमंड या 25 क्विंटल मुर्गी खाद की वरतों नाल यूरिया की तो 55 किलो बचत हो जाती है, पर इन्हां नूं वरतण का खर्चा वधेरे पै जाता है अते इन्नी वधेरे मात्रा विच रूड़ी खाद, प्रेसमंड या मुर्गी खाद मिलना बहुत ही मुश्किल हुंदा है, जबकि हरी खाद एक बहुत ही सरल तरीका है जिस नाल वधेरे मात्रा विच नाइट्रोजन खेत नूं प्रदान की जा सकती है अते अगली फसल नूं घट यूरिया खाद पाउण दी लोड़ पैंदी है, जिस दे नाल फसल ते आउण वाला खर्चा भी घटदा है। जेकर गल करिए हरी खाद वालियां फसलां दे होर फायदियां बारे, तो उपरोक्त दसियां फसलों विचों कोई भी फसल बीज के मिट्टी विच पौष्टिक तत्तां दी पूर्ता, मिट्टी दी उपजाऊ शक्ति विच वाधा, तीजी फसल वजों आमदनी विच वाधा आदि लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इस तो अलावा हरी खाद दीयां फसलां मिट्टी दी जैविक कार्बन विच वाधा करन दे नाल नाल दूजियां फसलों का झाड़ भी वधाउण विच सहाई हुंदियां हन।